देहरादून से खबर, बीजेपी को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष। महेंद्र भट्ट बने उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। महेंद्र भट्ट को सौंपी गई प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी। ब्राह्मण चेहरे को बीजेपी ने बनाया प्रदेश अध्यक्ष। आपको बता दें कि कुमाऊं गढ़वाल के समीकरण को सांपते हुए ये फैसला लिया गया है। बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले थे महेंद्र भट्ट। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जगह ली है। आपको बता दें कि बद्रीनाथ से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट रह चुके हैं। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जगह ली है, ये बड़ी अपडेट। बद्रीनाथ से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट रह चुके हैं, तो बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। देहरादून से ये बड़ी जानकारी। महेंद्र भट्ट बने उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष। महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो ब्राह्मण चेहरे को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, ये बड़ी जानकारी। कुमाऊं गढ़वाल के समीकरण को सांपते हुए ये फैसला लिया गया है। तो बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से महेंद्र भट्ट मिले थे। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जगह ली है। बद्रीनाथ से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट रह चुके हैं। तो देहरादून से ये बड़ी जानकारी। बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। तो महेंद्र भट्ट को प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्राह्मण चेहरे को बीजेपी ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। तो कुमाऊं गढ़वाल के समीकरण को सांपते हुए ये फैसला लिया गया है। बुधवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी महेंद्र भट्ट मिले थे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक की जगह ली है। तो बद्रीनाथ से पूर्व विधायक महेंद्र भट्ट रह चुके हैं। तो बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। महेंद्र भट्ट के सफर के बारे में अगर आपको बताया तो 1998 से 2000 में उत्तरांचल युवा मोर्चा में प्रदेश महामंत्री रहे हैं और 2000 से 2002 में उत्तरांचल प्रदेश युवा मोर्चा, 2002 से 2005 तक और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए संवाददाता योगेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। योगेश, देखिए महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष मिले हैं, जिम्मेदारी इनको सौंपी गई है, क्या अभी जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, जब हम बात करते हैं महेंद्र भट्ट की तो उनको अब प्रदेश अध्यक्ष बना दिया गया है और भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अब उनका नाम चयन हो चुका है। सबसे बड़ी बात है कि जब हम भाजपा की बात करते हैं तो भाजपा ने इससे पहले अगर बात करें जो निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष है मदन कौशिक, उनका कार्यकाल लगभग पूरा हो चुका था और नए प्रदेश अध्यक्ष की तरफ भाजपा ने बढ़ना ही था। इसी तरह से जो है वो आगे बढ़ गए। और अगर आप बात करें क्योंकि गढ़वाल का कुमाऊं का समीकरण, साथ ही इसमें अगर देखा जाए ब्राह्मण और राजपूत का समीकरण, पूरा समीकरण जो है वो भाजपा को देखना था और उसमें जिस तरह से 3 से 4 नाम चल रहे थे, गढ़वाल से अगर ब्राह्मण की बात करें हम, चेहरे की बात करें तो 3 से 4 नाम चल रहे थे और उन्हीं में से एक नाम महेंद्र भट्ट का भी था जिनको जो है जिम्मेदारी दे दी है। अभी अभी वो प्रदेश कार्यालय में पहुंचे और प्रदेश कार्यालय में पहुंचकर उन्होंने कार्यकर्ताओं का जो है आभार व्यक्त किया और कार्यकर्ताओं ने भी उनका स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने भी कहा कि बहुत ज़्यादा जो है उनका स्वागत किया। और इस तरह से अगर हम बात करें कि जब हम भाजपा की बात करते हैं तो आने वाले जी योगेश हाँ कंटिन्यू कीजिए, आपकी आवाज़ आ रही है। जी बिल्कुल जी योगेश, देखिए जिस हिसाब से अभी ये खेला गया बीजेपी ने, अगर किसी पे भी मुहर लगाई है नाम पे तो बहुत सोच समझ के लगाती है। अभी इनके कार्यकाल के बारे में अगर बात करें, इनके सफर के बारे में बात करें तो एक बार विस्तार से बताएं। जी बिल्कुल, हम आपको बता रहे थे कि जब हम उत्तराखंड में और भाजपा की बात करें तो भाजपा में सबसे बड़ी बात यह है कि समीकरण पूरा जो है वो साधना था, क्योंकि इस समय जो मुख्यमंत्री हैं वो कुमाऊं से हैं और राजपूत चेहरा है। उत्तराखंड की जब हम बात करते हैं तो राजपूत ब्राह्मण चेहरा बहुत देखा जाता है, फिर चाहे कांग्रेस की बात हो या भाजपा की बात हो। ऐसे में जो नाम चल रहे थे उनमें बहुत आगे नाम चल रहा था महेंद्र भट्ट जी का, और आखिरकार भाजपा ने, क्योंकि वो उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र से पढ़ते हैं,
एक ब्राह्मण चेहरा है, इसलिए अगर देखा जाए पूरी का पूरा जो समीकरण भाजपा का है उस समीकरण को देखते हुए आखिरकार मुहर लग गई है कि महेंद्र भट्टी जो है वो होंगे अब प्रदेश अध्यक्ष। भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो बहुत ज्यादा उत्साहित है। अभी जब वो भाजपा कार्यालय में पहुंचे उनके साथ मदन कौशिक भी थे और सैकड़ों की संख्या में, बहुत तेज बारिश हो रही है बावजूद इसके, सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस जो भाजपा कार्यालय है वो पूरी तरह से भर रखा था। हर कोई उनका स्वागत करना चाहता था और उन्होंने भी कार्यकर्ताओं को जो है आभार व्यक्त किया, नरेंद्र मोदी का जो है उन्होंने आभार व्यक्त किया, उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का आभार व्यक्त किया और कहा कि पार्टी के लिए और प्रदेश के लिए जो भी होगा वो काम मैं करूंगा। जी योगेश, देखिए महेंद्र भट्ट अब बन चुके हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी की तरफ से, इससे पहले उन्होंने जेपी नड्डा से मुलाकात भी की थी तो ये नाम पहले ही तय हो चुका था। जी योगेश, देखिए जिस हिसाब से अभी महेंद्र भट्ट को बनाया गया है प्रदेश अध्यक्ष, इससे पहले उनकी मुलाकात भी हो चुकी थी जेपी नड्डा से, तो अभी ये नाम क्या कहे, पहले से ही तय था बस नाम की घोषणा होनी बाकी थी? नहीं, जिस तरह से बताया जा रहा है कि नाम 203 नाम चल रहे थे जिनमें जो महत्वपूर्ण नाम है उनमें एक महेंद्र भट्ट का था, दूसरा विनोद चमोली का था, क्योंकि दोनों के दोनों ब्राह्मण चेहरे हैं और दोनों गढ़वाल क्षेत्र से हैं और दोनों का नाम बहुत आगे चल रहा था, लेकिन अब जो फाइनल हो गया है फाइनल नाम वो अब महेंद्र भट्ट का है कि महेंद्र भट्ट का नाम फाइनल हो चुका है और उन्हीं को मान चुके हैं कि तो देखिए महेंद्र भट्ट को नई जिम्मेदारी सौंपी गई है, बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट बने हैं। चलिए शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए योगेश आपका। तो महेंद्र भट्ट उत्तराखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष बने हैं। आपको बता दें कि महेंद्र भट्ट को यह सौंपी गई है जिम्मेदारी, बीजेपी को नया प्रदेश अध्यक्ष मिला है।